सो इन द प्रीवियस वीडियो वी सॉ कि किस तरीके से जो मिनिमैक्स काम करता है, बट हमने ये भी देखा जनाब कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी स्टेट स्पेस बड़ा है तो हमारे लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा मिनिमैक्स को ये काम करना। तो अगेन इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस पैकमैन गेम अपने किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा, चाहे वो पाइथन या किसी और लैंग्वेज पर जिस पर आप कंफर्टेबल हैं, तो जनाब यू विल फाइंड कि जनाब योर प्रोग्राम विल बी रनिंग इन टू स्टैक स्पेस 7। तो यू विल बी रनिंग आउट ऑफ द स्टैक स्पेस बिकॉज ऑफ द रिकर्सिव कॉल्स जो आपको बार बार जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। देन वॉट कैन बी डू, तो अगर जब हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, देन वॉट कैन बी डन टू एड्रेस दिस इशू। ठीक है, तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट कुड बी डन। फर्स्ट थिंग इज जनाब के आप जैसे हमने शुरू में देखा डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ, कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है जनाब के इट कैन गो एंड स्टक इनटू एन रियली इनफाइनाइट डेप्थ। तो हमने क्या करें जनाब के, बजाय इसके कि हम अपनी मिनिमैक्स सर्च को इनफाइनाइटली जाने दें, हम सब किसी एक जगह पर रोक लें एक खास डेप्थ के बाद, और उस डेप्थ के बाद फिर हम उस नोट पे कोई हेयुरिस्टिक वैल्यू लगा के उसे कैलकुलेट कर लेंगे उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि इंसान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ टिपिकल चेस मूव्स कंसिस्ट ऑफ 50 मूव्स, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जनाब को जो कि शुरू से लेके आखिर तक सारी मूव्स को कैलकुलेट कर ले अपने दिमाग के अंदर। तो बेसिकली वो करते हैं चेस प्लेयर्स के 2-3-4 मूव्स 5 मूव्स को अपने आगे देखते हैं, वो इंटेलिजेंटली देखते हैं कि कौन से मूव्स होनी चाहिए, एंड देन दे डिसाइड कि जनाब के जो मूव मैंने 5 मूव आगे देखी हैं उनमें सबसे अच्छी मूव जो है वो उसके हवाले से कौन सी है। तो दे यूज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसको वो हम एवोल्यूशन फंक्शन कह रहे हैं टू फिगर आउट जनाब के कौन सी मूव जो है वो एक सही रोल प्ले करेगी उस चीज के हवाले से। तो अगेन द आइडिया इज जनाब की वी गोना रिप्लेस द टर्मिनल ट्रेडीज, हम किसी एक खास डेप्थ तक जाएंगे 4-5 तक, क्योंकि हम 4-5 तक जाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, आसानी जो है वो अपने 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 पैकमैन को वहां तक ले जा सकते हैं, एंड देन वी गोना टू रिप्लेस द नॉन टर्मिनल स्टेट विद द एवोल्यूशन। हम कहेंगे जनाब यहाँ पे रुक जाओ और यहाँ पे अपने नोट पे एवोल्यूएट कर लो कि इसकी कितनी अच्छी है, तो जितना अच्छा आपका एवोल्यूशन फंक्शन होगा यू विल हैव दिस काइंड ऑफ सेम वैल्यू। ठीक है, या फिर आप अपनी डीपनिंग अपनी सर्च को iterative डीपनिंग सर्च से रिप्लेस कर दें, कैन बी सर्च लेयर बाय लेयर, वो हर दफा एक लेयर को बढ़ाते रहें, दिस कुड बी अनदर सॉल्यूशन। या फिर वी कैन जैसे कि इंसान करते हैं कि जना के वो खराब मूव्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो दे डू नॉट एक्सप्लोर दीज बैड मूव्स, दे हैव दिस इंट्यूशन दैट अलाउ देम टू, जितना अच्छा प्लेयर होगा उसकी इतनी डेवलप्ड इंट्यूशन होगी कि जना के कौन सी मूव्स खराब है, and then they use this intuition to basically go away with the bad moves. So again hum ye kis tarike se jo hai usko kar sakte hain isko hum janab explore karenge. So the first thing we will explore is what we call alpha beta pruning, and the idea behind alpha beta pruning then aapke jab hum minimax search kar rahe hote hain to we will come across nodes jo ki guaranteed hai ki janab aapko aapke kaam ki nahi, they are guaranteed कि जना के वो काम की नहीं। तो जब हमें कोई गारंटी है कि हमें कोई नोट जो है वो काम की नहीं है, then why we should waste our time over there? हम अपना टाइम उस पर क्यों वेस्ट करें? तो then we can just simply remove those notes from consideration, और इसके जरिए से हम अपना जो सर्च स्पेस ट्री है उसके साइज को काफ़ी हद तक जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, thus improving the search time जो हमारा है जनाब उसको हम बेहतर जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, बट हम किस तरीके से, तो द आइडिया जनाब के जस्ट लाइक मिनिमैक्स सर्च इट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, दो चीजों का हम बाउंड का ख्याल रखेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज द लार्जेस्ट वैल्यू जो कि मैक्स को मिल सकती है, यानी कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है मैक्स सर्च करने को उस पर मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की क्या मिल सकती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मैक्स क्या मिल सकती है, एंड बीटा इज द लोएस्ट वैल्यू जो कि मिन को मिल सकती है किसी भी एक पाथ पे। किसी भी एक पाथ पे अल्फा विल रिप्रेजेंट द बेस्ट वैल्यू दैट मैक्स कुड गेट, एंड बीटा विल रिप्रेजेंट द वर्स्ट वैल्यू दैट द मिन कुड गेट, मिनिमम वैल्यू जो के मिन को मिल सकती है। ठीक है, इनिशियली अल्फा को हम माइनस इनफिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर द हायर वैल्यू, तो हर दफा माइनस इनफिनिटी रिप्लेस हो जाएगा बाय सम वैल्यू, एंड बीटा विल बी इनिशियलाइज विद प्लस इनफिनिटी बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू, एंड एवरी टाइम द बीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय any value that is less than infinity, and every value will be less than infinity. And remember, that your negative infinity, positive infinity, they are just large numbers in your program. So every language will have no language have infinity.
एवरी लैंग्वेज हैव द लार्जेस्ट नंबर एसोसिएट टू अ टू अ पर्टिकुलर डेटा टाइप रिप्रेजेंटेड एज इनफिनिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग एन इंटीजर जो इज अ 32-bit डेटा टाइप दैन द बिगेस्ट नंबर दैट यू कैन एड्रेस इज 32 - 1. अगर इफ यू आर यूजिंग अ नेगेटिव इफ यू आर यूजिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज अगर नेगेटिव करें तो 2^31 - 1. साइन नंबर्स हैं तो 2^31 - 1 और अगर अनसाइंड वैल्यू 2^32 - 1 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट यू कुड हैव इन योर वैल्यू. ठीक है. व्हाई हाउ द प्रोपगेशन वर्क्स एंड प्रोपगेशन वर्क्स लाइक दिस जनाब के you start by the root node and then send these alpha beta values during the search जो कि इनके बिहाफ पे आपको pruning जो है वो मिलती है. तो for example alpha beta values जो हैं वो भी आप अपने आप improve करते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे इनकी वैल्यू से आपको मिलती रहेंगी. and alpha will only get updated at max nodes. याद रखिएगा alpha जो है हमेशा update होगी max nodes पे और beta will only be updated at the min nodes. It's very easy to understand. ठीक है. So anytime you find के जनाब the alpha is exceeding beta, anytime you find के जनाब the value of alpha is exceeding beta, you will prune. Okay. जब भी आपको लगे जनाब के alpha की value beta से बढ़ गई है then you will prune. And I will show you जनाब के with an example. Okay. तो for example if you take this example on the left if alpha is better for than a for max again if you are looking at this position so let me point the mouse over here so if alpha is better than a so now look at this position now अगर यहाँ पे a है और alpha की value जो है वो better है a से now you can see जनाब के this will always get ignored. This line will always get ignored because अगर ये A है क्योंकि ये min की node है तो min will never allow a better node than A to be propagated upwards. ठीक है. तो जनाब जब max को maximum value A मिलेगी तो जनाब उसको जरूरत नहीं है क्या लिखने की. This whole line could be improved. Similarly, if you are taking from the min's point of view and you have found a beta and down the line you will find जनाब के जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो इससे बड़ी है then you will never select this thing then you will always prune this thing. तो we will try to understand this thing using another example. तो let's take an example. तो let's say कि जनाब के we starting with the empty with the root value max node और alpha की वैल्यू infinity है और beta की वैल्यू जो है वो positive infinity and which is equivalent to alpha being greater than equal to negative infinity and beta being less than equal to positive infinity. So आप नीचे आए आपने alpha beta को साथ भेज दिया फिर नीचे आए आपने alpha beta को साथ भेज दिया कोई फर्क नहीं पड़ा नीचे आए आपने फिर alpha beta को साथ भेज दिया कोई फर्क नहीं पड़ा जितना you can remember so if I point this node that this is a max node remember this is a min node so this is a min node and then this is a max node This is a min node and similarly so on so forth. ठीक है तो ये नहीं याद रखिएगा the upper triangle is for the max node and the downward triangle is for the min nodes. ठीक है तो जनाब आपको यहाँ मिली value beta 3 terminal पे. Now this was the min node so you will update the beta value. तो आपने कहा जनाब कि मुझे beta value 3 मिल चुकी है. Now you are looking for the value that are less than beta. Any value that is greater than beta are useless for you. 17 को मिला ignore कर दिया and बेसिकली तो अब आपने ये जो वैल्यू आपको अब ये जो वैल्यू मिली आपको 3 पे सॉरी सो लेट मी नाउ दिस इज द वैल्यू दैट यू फाउंड फॉर दिस नोड नाउ यू विल अपडेट दिस अल्फा वैल्यू फॉर दिस मैक्स नोड बिकॉज याद रखिएगा बीटा वैल्यूज मेन नोड पे अपडेट होंगी और अल्फा वैल्यूज जो है मैक्स पे अपडेट होंगी. ठीक है सो आपने अल्फा को 3 कह दिया और आपने ये वैल्यू नीचे प्रोपोगेट कर दी अब आपने कहा जनाब के यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 3. So any value that is less than 3 will not be useful at this point of time. Because यहाँ पे कोई already 3 मिल रही है तो अगर इस value पे कोई greater than 3 मिलेगा तो फायदा मंद है otherwise को जरूरत नहीं. आपने मिली value मिली 2. 2 जो है वो अब आपने beta की value को update कर दिया. Beta gets 2. इसका मतलब है जनाब के you will prune when alpha will be greater than equal to beta. याद रखिए. तो alpha greater than equal to beta हो चुका है तो बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं. You will prune. And you will decide कि यहाँ पे value 3. The idea है जनाब के 2 ऊपर कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 3 एंड मैक्स ऑलवेज चूज द मैक्सिमम नोड. तो जब मेरे पास 3 हो चुका है ऑलरेडी
एंड वाई विल आई विल सी द अदर नोट्स, तो यू विल ऑलवेज प्रून दिस थिंग एंड यू विल गेट एन एडवांटेज अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है. नाउ यू विल प्रोपोगेट दिस वैल्यू अपवर्ड्स, तो बिकॉज इज द मिन नोट, तो यू विल अपडेट बीटा. आप नीचे लेकर आएंगे तो आपने तीन और नेगेटिव इन्फिनिटी को पास कर दिया, ठीक है. तो यू विल गो टू द मैक्स नोट, सो मैक्स था मिन को नोट किया, तो मिन पे आपने यहाँ 15, तो आपने बीटा को अपडेट कर लिया. नाउ बीटा विल अपडेट, विल गेट अपडेटेड और नॉट, इट विल नॉट गेट अपडेटेड बिकॉज इज अ मिन नोट एंड बीटा को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है. सो एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा और नॉट, सो नेगेटिव इन्फिनिटी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 15. सो यू विल सी कि जनाब आप ये वैल्यू ऊपर लेके चले जाएंगे, एक ही वैल्यू आप इसको ऊपर लेके चले जाएंगे. जैसे ही ऊपर लेके गए आपने, आपका अल्फा अपडेट हो गया बिकॉज दिस वाज अ मैक्स नोट, तो आपने देखा जनाब के अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, और जैसे ही आपने देखा तो आपने सारे सिग्नल्स को प्रूव कर दिया. एंड द रीजन इज बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल नेवर गोइंग टू सेलेक्ट दिस नोट. तो जनाब चाहे कोई भी वैल्यू आपको सारी हो, ये वैल्यू जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे इस हवाले से, बिकॉज दिस इज अ मैक्स नोट, तो इट विल नॉट सेलेक्ट एनी अदर वैल्यू फॉर दिस पार्ट ऑफ टाइम, ठीक है. और ये मिन नोड है, तो मिन नोड विल नॉट अलाउ यू टू सेलेक्ट समथिंग एल्स. एंड द रीजन इज इसके ऊपर ही नोड जो है वो मिन है, मिनिमम को सेलेक्ट करेगी. तो जब को 3 मिल चुका है तो वो 15 को सेलेक्ट करेगी बिकॉज को मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम इसको ऑलरेडी 3 मिल चुका है, दैट विल इग्नोर 15. तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट नेसेसरी टू इग्नोर दिस पॉइंट बिकॉज इट विल नेवर गेट सेलेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस नोड पे कभी सेलेक्ट नहीं. तो आपने कहा 3 सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने अपडेट कर दी अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा गेट्स अपडेटेड, यू गेट दिस वैल्यू एंड यू प्रोपोगेट इट डाउनवर्ड्स. अनदर रूट नोड, तो आपने को 2 अपडेट किया, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यहाँ पे ट्रू है, तो यू प्रूव. एंड द रीजन इज बिकॉज इस जगह पे ऑलरेडी उसको एक 3 वैल्यू मिल रही है, यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 2 जाएगी बिकॉज मिन नोट. तो जो अगर आगे वैल्यू मिलती भी तो ज्यादा, तो वो कभी सेलेक्ट नहीं करेगा. It will always select a value that is less than this 2. So it will never select this value. So this always gets ignored. And yahan pe 3 mili alpha ki value 3. And alpha greater than equal to 3, then you will also prune this time. Yahan pruning ho jayegi. So you will select 3. This will get select 3. And because alpha greater than equal to 3, to ye prune ho jayegi. And then you will select this node. And this node will be selected. So this is going to be selected. Okay, now this is the general idea behind alpha beta pruning. I hope you know, you understand this thing. So again, try to solve this thing on your own. So koshish karega janab ki aap isko khud se ek dafa karne ki koshish kare taki aapko idea ho jaye kis tarike se kaam jo hai wo perform kara ja raha hai, theek hai. So implementation is quite straightforward. So again at the so you if you have a terminal state then you will return its value, otherwise agar aapke paas alpha or beta initialize hue hain to if you will you'll always see janab okay. So if you find a value for the max value, if you find a value that is greater than equal to beta, you will return that value because otherwise the other things will get pruned, theek hai. So v ka matlab janab ke alpha is greater than equal to, and you will always select alpha. Agar v ki value alpha zyada hai to you will always update alpha, theek hai. Similarly yahan pe agar beta ki value v se kam hai to you always update beta, aur agar value less than equal to alpha ho chuki then you will तो जो रिटर्निंग है ये प्रूनिंग को डिनोट कर रही है. सो नाउ द आइडिया जनाब के सबसे अच्छी बात अल्फा बीटा प्रूनिंग की है कि ये ऑप्टिमैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. याद रखिए जनाब के मिनिमैक्स विल ऑलवेज कैलकुलेट द ऑप्टिमल नोट, ऑप्टिमल वैल्यूज कैलकुलेट करें. यानी अगर आप मिनिमैक्स यूज कर रहे हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं, योर एजेंट विल नेवर लूज बिकॉज यू आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है. एंड सिमिलरली अल्फा बीटा प्रूनिंग का फायदा ये विल कट डाउन द ट्री. वो नोट्स को प्रून करने के बाद वो बहुत सारी नोट्स को प्रून नहीं देखेगा, मगर हमेशा उसके बावजूद आपकी ऑप्टिमैलिटी पे जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा. इवेंचुअली अगर आपकी ऑर्डरिंग अच्छी है तो यू विल प्रून मोर, सही. तो एंड एट द मैक्सिमम यू आर गोइंग टू प्रून हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्री. तो बेसिकली तो अगर आपकी मिन मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बी की पावर एम थी, so it will be shrink to b to power m over 2 with optimal ordering. agar aapki jo child ordering hai wo bhi bahut zyada effect dalti hai is cheez ke upar ki aapka kitne nodes jo hain wo prune honge. so if you have the perfect child ordering then it helps a lot. magar still with these improvements games like chess are still not solvable. so you will not going to be
सॉल्विंग चेस विद अल्फा बीटा प्रोनिंग, इसके बावजूद भी इतना बड़ा दादा है कि अभी भी आपके लिए होपलेस है, तो व्हाट कैन वी डू, सही है? देन दिस इज समथिंग दैट सो लाइक यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट दिस क्विज, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग, यू कैन सॉल्व दिस थिंग एट योर ओन लेजर एंड योर इंस्ट्रक्टर विल बी गाइडिंग यू ऑन दिस थिंग एंड अनदर क्विज, यू कैन हैव टू क्विजेस, यू कैन सॉल्व इट एट योर होम एंड सी जनाब के बाद यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रोनिंग. So, as I said, janab ke move ordering will play a very large role in this. For in this example, for so if you see, ke agar if you get 14 over here, so you will not be able to prune 5 and 2. If you get 5 even then, but agar pehle aapko 2 mil jata, then you would have been able to prune these two nodes. ठीक है जी, तो this is the idea ke jab jitni achhi aapki ordering hogi, utna hi zyada pruning jo hai wo aapko milegi. आपके अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर, ठीक है जी. सो वर्स्ट ऑर्डरिंग नो प्रूनिंग हैपेंस एंड बेस्ट मूव्स आर ऑन द राइट पॉइंट एंड द कॉम्पलेक्सिटी इज, कोई प्रूनिंग नहीं हो रही तो जनाब आपकी कॉम्पलेक्सिटी वही है जो मैंने मैक्स की है, और अगर प्रूनिंग हो रही है देन यू कुड अचीव एम पावर टू, ठीक है. बट हाउ डू वी फाइंड दिस गुड ऑर्डरिंग, ये गुड ऑर्डरिंग हम कहते हो रहे हैं कि हमें गुड ऑर्डरिंग चाहिए, बट हाउ डू फाइंड दिस गुड ऑर्डरिंग एंड द आइडिया जनाब के, सो कीप इन माइंड कपल ऑफ थिंग्स. Remember, जनाब के the best moves from the shallowest notes. Okay, order the notes so the best are checked first. ठीक है, तो again इसको अपने ध्यान में रखिएगा. Domain knowledge को अपने ध्यान में, heuristic functions जो को बता सकें कि कौन सी moves ज़्यादा बेहतर हैं उनको पहले check करिए. And then keep a record of the states that you visited ताकि आप बार बार same states को ना देखें. कुछ रियल टाइम डिसीजंस जो के आपको देखने पड़ सकते हैं, तो again in Minimax it can generate the entire search tree. और मैंने कहा एग्जांपल दी फॉर अ वेरी स्मॉल पैकमैन गेम, इट विल बी इनफीजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू विल बी यूजिंग. सो आपको स्टैक स्पेस आउट ऑफ स्टैक स्पेस का जो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर जो है आपको नजर आएगा. अल्फा बीटा प्रूनिंग बहुत हेल्प आउट करता है, हाउएवर अल्फा बीटा को भी नीचे तक जाना पड़ेगा अपने फैसले करने के लिए, ठीक है. और रियल टाइम में ये भी इम्प्रैक्टिकल, रियल टाइम के अंदर ये भी इम्प्रैक्टिकल सर्च है वो आपके. तो हमारे पास तरीका क्या रह जाता है कि हम अपनी सर्च को बाउंड करें, किसी एक खास जगह पे जाके रोकें और उस जगह से फिर हम को रिटर्न करें एवोल्यूशन फंक्शन, और उसके बिहाव पे फिर हम अपने फैसले जो है वो उनको करें ताकि हमारी सर्च जो है वो प्रैक्टिकल या फिजिबल जो है वो आपके पास रहे. सो ये एवोल्यूशन फंक्शन है, बेसिकली इट्स एन ह्यूरिस्टिक फंक्शन that tells you the goodness of the state. So for example, if you're playing chess, so you can assign a value to all of your pieces or unka weight assign kar denge jana kaun sa piece kitna important hai. For example, queen have a higher weight as compared to a pawn, and then you can take a weighted average of ke kisi bhi state ki maximum value jo hai wo kya ho sakti hai. However, finding the term evolution function is highly problem dependent. There's very few chance that now we will find a global terminal function that will work for every domain. It is more or less of no use. So again, you have to make some linear combination that will try to evaluate your game, and you have to use the domain knowledge for that particular game or a problem to come up with these better and better features that you have. Okay. So just to give an example, that agar aapka ye game hai chess ka, then evolution function could be the weighted average of the different features, different weights, yeah, different pieces around board. Deep Blue, for example, uses about 6,000 features to determine the goodness of a state. Okay, so this could be more expanded depending on the game that you are using. Okay. अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं next video के अंदर, हम जरा देखेंगे, discuss करेंगे कि अगर हम अपनी डेप्थ को लिमिट करते रहें इसका नुकसान क्या हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है. तो ज़रा अब इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो.